पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों में राज करने वाली कामयाब तरीन अदाकारा अंजुमन जी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो आप पहले नहीं जानते, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। आपका शुमार सफ़े अव्वल की अदाकारों में होता है। आप 24 जुलाई 1955 में बहावलपुर में पैदा हुई। आपका असल नाम अंजुमन शाहीन है। आपके वालिद वहाँ से हिजरत करके मुल्तान चले गए। कुछ अरसे के बाद मुल्तान से लाहौर में हिजरत की। आपकी फैमिली में से देखा जाए तो आपकी छोटी बहन गौरी ने भी फिल्मी दुनिया में राज किया। अंजुमन जी ने तकरीबन 20 साल पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया पर राज किया। आपकी फिल्मों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपकी पहली फिल्म उर्दू फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था सूरत और ये 1973 में रिलीज़ की गई। 1979 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था वादे की जंजीर और यह भी उर्दू फिल्म थी। ये फ़िल्म कामयाब साबित हुई। लोगों ने बहुत ज़्यादा इस फिल्म को पसंद किया। जितने भी फिल्म साज थे उन्होंने नाजरीन अंजुमन की तरफ तवज्जो करना शुरू कर दी। इसके बाद आपको चंद वरियाम और शेर खान जैसी कामयाब फिल्में मिली। सुल्तान राई और अंजुमन की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। एक से एक बढ़कर खूबसूरत फिल्म नाजरीन रिलीज़ होने लगी जिसमें अंजुमन जी सुल्तान राई के साथ काम कर रही थी। उस टाइम में अंजुमन जी ने मुख्तलिफ़ अदाकारों के साथ भी काम किया जैसा कि नन्ना, अली इजाज, नदीम, जावेद शेख, इजहार काजी, जितने भी उस टाइम के अदाकार थे सबके साथ आपने काम किया। अंजुमन जी ने आगाज़ तो उर्दू फिल्मों से किया लेकिन पंजाबी फिल्मों में लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि नाजरीन ये देखने में भी एक खूबसूरत तरीन जट्टी पंजाबन का रोल भी करती और देखने में भी एक खूबसूरत जट्टी नज़र आती। अंजुमन जी ने अपने अरूज के टाइम पर ही मोबीन मलक से शादी कर ली जिनमें से आपके दो बेटे और एक बेटी पैदा हुई। जीशान, अदनान और ईमान ये आपके बच्चों के नाम हैं। अंजुमन जी अपनी फैमिली के साथ बरतानिया चली गई और वहीं रहने लगी। अंजुमन जी जब बरतानिया रहती थी तो पीछे से सुल्तान राही साहब के कत्ल की भी खबर आ गई। सुल्तान राही और अंजुमन जी की जोड़ी को पसंद करने वालों के लिए यह खबर बहुत बुरी खबर थी। सुल्तान राही की वफात के बाद अंजुमन ने दोबारा फिल्मों का रुख किया और आपने फिल्म चुदरानी में काम किया। फिल्म चुदरानी के बाद आपने फिल्म जग माही में काम किया। ये फिल्म सन 2000 में रिलीज़ की गई और आपके साथ गुलाम मईउद्दीन थे। इस फिल्म ने इतना ख़ास बिजनेस नहीं किया लेकिन अच्छी खासी चल गई। इसके बाद आपने हदायतकार कैफ़ी साहब की फ़िल्म पिंगम में काम किया। फिल्म पिंगम में आपके साथ अदाकार सऊद थे। 16 अक्टूबर 2013 को अंजुमन जी के शोहर मुबीन मलक का लाहौर में कत्ल हो गया जिनकी वफात के बाद काफ़ी टाइम गुजरने के बाद अंजुमन जी ने दोबारा शादी की लेकिन वो शादी भी इनकी कामयाब साबित ना हो सकी। पर दोस्तों एक टाइम वो था जब 1980 से लेकर 1990 तक अंजुमन जी के बगैर फिल्म कामयाब होना नामुमकिन था। आप हर फिल्म में होती और फिल्म कामयाब होती, देखने वाले सुल्तान राही साहब के साथ आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते। मैडम नूर जहाँ के गाने आप जब पिक्चराइज करवाती इस खूबसूरत अंदाज से कि लोग समझते कि अंजुमन ही गा रही हैं। अंजुमन जी के चाहने वाले नाजरीन आज भी जब कहीं फेसबुक या कहीं पर भी उनकी नई पोस्ट वगैरह या उनकी तस्वीर देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके चाहने वाले इनसे आज भी उसी तरह प्यार करते हैं। प्यार दोस्तों अंजुमन की कौन सी फ़िल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी फ़िल्म आपने बार बार देखी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।